रहे हैं ये लाइट, यही लाइट के पास से तो आप स्टार्ट करते हैं। ये हरा लाइट है, देखिए ये जो हरा लाइट है ना, तक आप लोगों की नजर जाएंगी वहां तक रस ही रस नजर आएगा आप लोगों को। ये पोजीशन है अभी जो मैं कर रहा हूं, अल्लाह पाक हर एक के वालिदैन को हज व इल्ला उम्रे की इयादत नसीब फरमाए, आमीन। आइए साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं मोनिस शफीक। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूं अभी जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद अल हरम। मैं पहले जाऊंगा अजियाद रोड, अजियाद रोड से जाएगा मैं हरम शरीफ में नमाज पढ़ूंगा। नमाज पढ़ के फिर आज की क्या पोजीशन है हरम शरीफ में मस्जिद अल हरम में, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। ये देखिए ये है जो बिल्डिंग नंबर 13 है, उसके बाद में बिल्डिंग नंबर 14 है। मैं आप लोगों को इसकी वीडियो बता चुका हूँ, चलिए वीडियो में करता हूँ शुरू स्टार्ट। देखिए यहाँ पे पानी ले लेके जाते हैं, सामने वो हरम की नमाज सीखने के बाद हालांकि आज मैं बहुत लेट सो गया था, मेरे को ऐसा लगा कि मैं हरम शरीफ नहीं पहुंच पाऊंगा, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। और ये देखिए इधर माशाल्लाह इधर सब अजियात रोड तक के सफे लग चुकी है मस्जिद अल हरम की, और अभी खुतबा चालू हुआ है। देखिए जनाब ये है अभी की पोजीशन, अगर आप लोगों को दिख रहा है अजियात गेट, ये देखिए ये जो है अजियात गेट, इधर अभी भी रश है इसके ऊपर अभी भी रहते हैं। देखिए सब ऊँचा है, लेकिन हम लोग जाते हुए अजियात गेट, चलिए आप माशाल्लाह आज का जो रश है लास्ट वीक से ज्यादा रश है। देखिए लास्ट वीक में इतने ऐसे बाहर रश नहीं था, माशाल्लाह इस हफ्ते में तो कुछ ज्यादा ही रश है, उमरा जाहिरीन का रश बढ़ गया है। चलिए आप पूरी वीडियो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए उमरा हाजिन धूप में भी, धूप में भी नमाज देखिए मेरे को यहाँ से ऊपर जाना था, मेरा इधर का रास्ता बंद कर दिया ये लोगों ने, अब मैं वापिस लास्ट वीक जहाँ नमाज पढ़ा था वहीं पे नमाज आगे पढ़ूंगा। अज्ञात गेट, देखिए अज्ञात गेट की तरफ मैं जाने नहीं दे रही, देखिए अज्ञात गेट बंद कर दिया सबको इधर सफा मरवा की तरफ। देखिए यहाँ से सबको अंदर लेता है अज्ञात गेट की तरफ से, मेरा लगी इसी वजह से जाने नहीं दे रहे सबको इधर ले रहे साइड से। देखिए माशाल्लाह यहाँ पर हम लोग दोनों की नमाज पढ़े सफा वन से, ये है टाइम क्या हो रहा है, एक बजे में 5 मिनट तो कम यहाँ भी नमाज पढ़े। बस देखिए आप बहुत रश है यहाँ माशाल्लाह तबारक अल्लाह। देखिए आज जुमा का रोज है माशाल्लाह, रस भी देखिए आप लोगों से, और ये भी देखिए माशाल्लाह। अल्लाह पाक हर एक के वालिदैन को हज़रत अल्लाह उम्र की ज़ियारत नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। इधर भी देखिए रस माशाल्लाह, चलिए ज़ियारत करिए और वीडियो को लाइक करिए माशाल्लाह। काबे काबे में जब पहली नजर पड़ती है जो दुआ मांगी जाती है दुआ कबूल होती है माशाल्लाह। मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहीं से तवाब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से तवाब स्टार्ट करके ऐसे जाएंगे एक राउंड पूरा घूम के इसी जगह पर आएंगे तो एक तवाब होता है, इसको ही बोलते हैं एक तवाब हो गए। फिर दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऐसे 7 चक्कर यहाँ से स्टार्ट करके 7 चक्कर तवाफ करते हैं काबतुल्लाह का।
चलिए मैं भी निकल रहा हूँ अब बाहर की तरफ, आप लोगों को चलिए जी अब अज़ियाद गेट से निकलते हैं बाहर की जानिब। मस्जिद अल हरम में हमसा हुआ था, अभी निकल गया हूँ, इधर जमजम पी लेते हैं, जमजम पीने के बाद चलते हैं। माशाल्लाह बहुत सुकून मिलता है जमजम पीने से, क्योंकि जमजम पीते हैं तो जमजम में जमजम पीने से भूख भी नहीं लगती है और ना पानी की प्यास लगती है, ये फायदा है जमजम पीने में। ये देखिए जी अभी हम लोग आ गए हैं अज़ियाद गेट से बाहर, आप लोग उधर गौर फरमाइए, देखिए उधर अज़ियाद रोड पर पूरी रोड पर रश ही रश है, आप लोगों को नजर आ रहा है। ये देखिए अज़ियाद रोड दिख रहा है उधर सामने, माशाल्लाह अल्लाहु अकबर या सलाम, पूरा अज़ियाद रोड पर रश ही रश है। और इधर भी देखिए इस साइड में भी माशाल्लाह सब मस्जिद अल हरम से निकल रहे हैं अज़ियाद गेट से, ये देखिए इधर माशाल्लाह अज़ियाद रोड, अल्लाहु अकबर, बहुत रश बढ़ चुका है उमराए जाहिरीन का मस्जिद अल हरम में। इस साइड में है जी, चलिए मैं नीचे उतरता हूँ, नीचे उतरने के बाद हीरापुरी घर मस्जिद 3 नंबर हमाम की तरफ का भी रश देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए जी माशाल्लाह यहाँ का भी रश देखिए, ये है जी एक, और ये जो है ना अज़ियाद गेट का रश है, ये इसको अज़ियाद गेट कहा जाता है, अज़ियाद गेट से निकल रहे हैं सब, और ये गेट का काम चालू है, और इधर देखिए अज़ियाद रोड माशाल्लाह, ये देखिए ये है जी अज़ियाद रोड की पोजीशन, जहाँ तक आप लोगों की नजर जाएंगी वहां तक रश ही रश नजर आएगा आप लोगों को, ये पोजीशन है अभी मस्जिद अल हरम की। अल्लाह पाक हर एक के वालिदैन को हज बैतुल्लाह उमरे की इयादत नसीब फरमाए, आमीन। और इस साइड भी देखिए कितना रश है, अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को भी हज बैतुल्लाह उमरे की इयादत नसीब फरमाए, मालिक मौला। चलिए जनाब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप दोस्तों में शेयर करिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।